राधे राधे, आज मैं कान्हा जी के लिए ये लैस सितारों से बनी हुई एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। ये देखने में बहुत सुंदर है और ये बनाने में बहुत ईजी है। यह आप अपने कितने भी छोटे और कितने भी बड़े कान्हा जी के लिए बना सकते हो। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको बनाने के लिए हमें इस तरह की लैस चाहिए। देखो, इस तरह की लैस लेने के बाद हम इसको काट के ऐसे पतिये अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, जिस लैस में ऐसी ये पत्तियों वाली लैस बनी हुई है, इसमें हम ऐसे सीजर से काटेंगे इस तरह से। पहले आप एक साइड से काट लेंगे ऐसे, फिर जल्दी कट जाएगी और फिर ऐसे हम इसको दूसरी साइड से काटेंगे। ऐसे ये देखिए, ऐसे ये हमारी सब पत्तियां अलग हो जाएंगी। ये देखो इस तरह, जिस तरह हम पूरी लैस में इन पत्तियों को अलग करेंगे। इस तरह आप हमें इसके लिए बुकरम चाहिए। आपको जितनी भी बड़े कान्हा जी की ड्रेस बनानी है आप उतनी ही बड़ी प्लेट लेंगे इस तरह, और ऐसे रखने के बाद आप पेन से इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे निशान लगाएंगे इस तरह। ये देखिए, अब हम इस निशान से इसको सर्किल को काट लेंगे। ये देखो, ऐसे काटने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमें जितने भी अपने कान्हा जी की कमर चाहिए आप, हम उसी हिसाब से यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे और इसको काट के अलग कर देंगे। ये हमारा सिलाई में नहीं जाएगा, बड़ा नहीं होगा। ये जितना भी चाहिए उतना ही आप एक बार निशान लगा के काट सकते हैं, और फिर हम इस साइड से इसको एक साइड से ऐसे ओपन कर लेंगे इस तरह। आप इतना सर्किल काटने के बाद उनको पहना के भी देख सकते हो, और अगर आपको छोटा लगता है तो आप इसको दोबारा फिर फोल्ड करके फिर ऐसे हल्का सा निशान लगा के फिर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए इस तरह। अब हम इस पे यहाँ पे किनारे किनारे पर जो हमने ये लैस काटी है ये लगाएंगे ऐसे। ये देखो, इसको हम यहाँ से अच्छे से पेस्ट करके थोड़ा सही सा कर लेंगे। देखो, अब हम यहाँ पर ऐसे ग्लू लगाएंगे और इस लैस को ऐसे, बस हमारी ये पत्तियों की जो शेप है ये हमारी बाहर दिखाई देनी चाहिए इस तरह। इस तरह हम इसको चारों तरफ पेस्ट कर देंगे। ये ड्रेस हम पूरी पेस्टिंग से बना रहे हैं। अगर आप इसको चाहो तो मशीन से भी बना सकते हो, ये लेस मशीन से भी लग जाएगी इस तरह। और ये देखो, कटने के बाद ये बहुत अच्छे से गोल घूम रही है, आपको ये गोलाई में लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जी, इस तरह चारों तरफ लगाना है। देखो, अब हम जो ये हमारी मैरून मैरून पट्टी दिखाई दे रही है, अब हम यहाँ पर एक एक सितारा लगाएंगे, ये वाला बड़े वाला
जो भी आपके पास सितारा है आप वही वाला सितारा यहाँ पे लगा सकते हैं एक एक मिला मिला कर। थोड़ी सी पट्टी अगर दिखाई भी देती है तब भी कोई बात नहीं, वो अच्छी लगेगी इस तरह। इस तरह चारों तरफ लगाएंगे। देखो अब हम इसको लेस को ऐसे रख के देखेंगे इस तरह कि हमारी पत्ती ऐसे आ जाए इस तरह कि हमारी बस नीचे की बुकरम ना दिखाई दे। तो हम इसको पेस्ट करते जाएंगे। आपको अगर ये लगता है कि आपकी इधर की लेस भी चौड़ी है तो आप इसको भी काट के पतली कर सकते हैं इस तरह। ऐसे इसको गोलाई में लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह। बस देखो अब हमने ये दो लाइनें लगा दी हैं। अब हम इसके बाद फिर एक एक सितारों की लाइन लगाएंगे इस तरह। अगर आपको अपनी ड्रेस को पूरा गोल्डन नहीं बनाना तो आप इसमें कोई कलरफुल चीज भी लगा सकते हो, सितारे कलरफुल लगा सकते हो। ऐसे चारों तरफ लगाएंगे। देखो अब हम इसमें ये तीसरी लाइन लगाएंगे। इस तरह चारों तरफ पेस्ट करेंगे। देखो अब हम इसमें एक लाइन सितारों की लगाएंगे। अब हम ये सितारे कुछ इस तरह से लगाएंगे कि हमारे अंदर ही अंदर रहे। देखो इसी लेस से हम चोली बनाएंगे। हमने ये अपनी 12 पत्तियां काटी हैं। अब हम इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्तियों को ऐसे अलग कर लेंगे इस तरह। अब हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे ये देखो इस तरह। ऐसे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा आगे रहेगा। अब जिधर से ये ओपन है उधर से हम ये एक एक पत्ती को ऐसे अंदर ग्लू लगाएंगे अच्छे से और यहां पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। इस तरह और इस वाली को इधर आप जब हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये हमारी ऐसे आ जाएगी, ये आगे आएगी और ये उनकी दोनों बाजू बन जाएंगी इस तरह। देखो ये हमारे कान्हा जी की कितनी सुंदर ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये देखो चोली भी उनकी कितनी सुंदर आएगी ये ऊपर से।
ये ड्रेस आप बहुत इजी से बना सकते हो, जिसको सिलाई नहीं आती और बुनाई नहीं आती वो भी पेस्टिंग करके इस ड्रेस को बना सकता है। और आप इस ड्रेस को मशीन से सिल के भी बना सकते हो, जहाँ जहाँ हमने इसको चिपकाया है वहाँ वहाँ पर ही आप इसमें मशीन का यूज कर सकते हो। इस तरह आप भी अपने कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।